स्टूडेंट्स हाउ आर यू होप यू विल बी फाइन आई एम आल्सो फाइन टुडे वी विल रिवाइज चैप्टर नंबर 14 रिप्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी तो इसके हमारे जो इस यूनिट को स्टडी करने के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं कि आप जो है वो ये अंडरस्टैंड कर सकें कि आपको ये वाले जो टॉपिक्स हैं वो पेपर के अंदर किस तरह से आ सकते हैं फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट टॉपिक है रिप्रोडक्शन तो आपसे ये पेपर में पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है या लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है व्हाट इज रिप्रोडक्शन एंड राइट द मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो आपने जो है फिर उसकी कंप्लीट डिटेल बतानी है कि रिप्रोडक्शन में एसेक्सुअल कौन कौन से मेथड्स हैं लाइक बाइनरी फिशन है फ्रेगमेंटेशन है स्पोर फॉर्मेशन है तो ये आपको जो है वो पहले जो 10 मिनट्स की वीडियो है इन टॉपिक्स के ऊपर आपको इसकी डिटेल जो है वो मिल जाएगी तो आपने अगर लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाए तो उसकी कंप्लीट डिटेल लिखनी है उसके बाद जो है वो प्लांट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो किस तरह से हो सकती है आपसे पूछा जा सकता है राइट एंड नॉट ऑन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स और फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो किस तरह से हो सकती है इसका भी लॉन्ग क्वेश्चन है तो इट इज़ आल्सो इंपॉर्टेंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट उसकी भी आपने कंप्लीट जो है वो डिटेल बतानी है और उसमें आपने जो डायग्राम है वो भी बतानी है कि उसमें जो प्लांट के पार्ट्स हैं उसको मैंशन करना है लाइक सेपल है कार्पल है पेटल्स हैं तो जो डिफरेंट पार्ट्स हैं एंड्रिशियम गाइनेशियम इनको आपने जो है मेंशन करना है और बताना है किस तरह से इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है जर्मिनेशन ऑफ सीड राइट एंड नॉट ऑन जर्मिनेशन ऑफ सीड लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है आपने बताना है कि उसके डिफरेंट स्टेप्स जो हैं वो किस तरह से इसमें जो है वो जर्मिनेशन होती है सीड की कंडीशन जो हैं व्हाट आर द कंडीशन फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड तो डिफरेंट जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं सीड की जर्मिनेशन के लिए बतानी है लाइक सॉयल एंड न्यूट्रेंट्स वाली हो उसके अंदर मॉइस्चर हो टेम्परेचर जो है वो सूटेबल हो तो ये जो डिफरेंट कंडीशन हैं नेक्स्ट स्पर्मेटोजेंसिस क्या है ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है व्हाट इज स्पर्मेटोजेंसिस व्हाट इज ओजेंसिस यहाँ से पूछा जा सकता है राइट डिफरेंस बिटवीन द स्पर्मेटोजेंसिस एंड ओजेंसिस जो नेक्स्ट है इट इज एड्स ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है एड्स तो आपसे इसके एब्रिविएशन में पूछा जा सकती है इसका रूट कॉज भी पूछा जा सकता है और आपसे ये भी पूछा जा सकता है राइट अ कंप्लीट नोट ऑन एड्स तो आपने बताना है व्हाट इज दिस एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम इसका जो कॉजेटिव एजेंट है वो क्या है एचआईवी है इसके जो रूट्स ऑफ इन्फेक्शन है वो कौन कौन से हैं ब्लड्स के ज़रिए से फ्लूइड के ज़रिए से सीमन के ज़रिए से कंटेमिनेटेड औजार जो हैं उनको यूज़ करने से तो ये ब्लड की ट्रांसफ्यूजन से जो ये हो सकती है इसके अलावा जो आपकी बुक में जितनी इसकी डिटेल दी गई है वो आपने वो कंप्लीट बतानी है तो दिस इज़ अबाउट द चैप्टर नंबर 14. सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 14 रिप्रोडक्शन तो रिप्रोडक्शन में सबसे पहले आपसे इसकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है शॉर्ट क्वेश्चन में व्हाट इज रिप्रोडक्शन तो आपने इसकी डेफिनेशन बताना है कि इट इज़ द प्रोडक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज यानी कि एक ही स्पीशीज के जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी प्रोडक्शन है यानी कि उसी इंडिविजुअल्स की जो नेक्स्ट जनरेशन है उसकी प्रोडक्शन है और उसकी जो फंडामेंटल करेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी सेम ही होती हैं तो आपने सबसे पहले इसकी डेफिनेशन याद करनी है इसके अलावा आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो इसमें आपने जो इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं वो भी आपसे पूछा जा सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव इसके क्या हैं तो इसका एक तो ये है कि फॉर द कंटिन्यूशन ऑफ स्पीशीज़ उसके स्पीशीज़ को कंटिन्यू रखने के लिए की जाती है इसके अलावा जो जेनेटिक मटेरियल है उसको एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में पास करने के लिए ये प्रोसेस किया जाता है बहुत से इंडिविजुअल्स जो हैं वो डिजीज़ या कॉम्पिटिशन या जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से उनकी डेथ हो जाती है तो उसको भी जो है वो मेनटेन रखने के लिए रिप्रोडक्शन जो है वो की जाती है तो ये जो आपने इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं वो याद रखने हैं नेक्स्ट इज़ मेथड्स ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड्स हैं वो कौन कौन से हैं तो आपने सबसे पहले इनके नेम्स याद करने हैं कि वो मेथड कौन कौन से हैं बाइनरी फिशन है बडिंग है जोन सब इसके मेथड हैं आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकते हैं कि इसके मेथड्स कौन कौन से हैं अगर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाए तो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड कौन से हैं तो फिर आपने सिर्फ उनके नेम्स लिखने हैं अगर अलग-अलग से आपसे पूछा जाए हर एक मेथड का तो फिर आपने उसकी थोड़ी सी डिटेल भी बतानी है इसके अलावा लॉन्ग क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाए व्हाट आर द मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो आपने फिर उनकी कंप्लीट डिटेल बतानी है सबसे पहले है बाइनरी फिशन तो हम बाइनरी का जो नेम है वो नेम इंडिकेट कर रहा है कि इसका मतलब है डिवीजन इनटू टू
बाइनरी फिशन का क्या मकसद मतलब है डिवीजन इनटू टू। तो ये आपसे एमसीक्यूज़ में भी पूछा जा सकता है कि जो बाइनरी फिशन है उसका क्या मतलब है, इसका मीनिंग है डिवीजन इनटू टू। तो ये सबसे सिंपलेस्ट मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, ये किन में होता है, ये प्रोकैरियोट्स में होता है और बहुत सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स में भी होता है। बाइनरी फिशन में होता है क्या कि इसका जो डीएनए है वो डुप्लीकेट हो जाता है, इसकी दो कॉपीज़ जो हैं वो प्रोड्यूस होती हैं और दोनों कॉपीज़ जो हैं वो ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर जाती हैं। फिर इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो दरमियान में से इन्वेजिनेट होती है और इसका जो साइटोप्लाज्म है वो भी दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। इस तरीके से दो जो हैं वो नए सेल्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो जाते हैं जिन्हें हम कहते हैं डॉटर सेल्स। तो ये क्या बाइनरी फिशन का जो प्रोसीजर है, ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। व्हाट इज़ अगर सिंगल बाइनरी फिशन का पूछा जाए तो आपने जो है उसकी थोड़ी सा जो प्रोसीजर है वो बताना है कि बाइनरी फिशन जो है वो कैसे होती है। तो ये आप जो है वो डायग्राम में देख सकते हैं कि पहले जो है हमारे पास एक इंडिविजुअल है, फिर उसका जो है वो जो जेनेटिक मटीरियल है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, फिर उसके सेल मेम्ब्रेन अंदर को इन्वेजिनेट हो रही है और वो कम्प्लीटली दो डॉटर सेल्स जो हैं वो बन जाते हैं। तो ये किस में हो रही है, बैक्टीरिया में, यानी कि प्रोकैरियोट्स में हो रही है। ये हमारे पास का जो पहला प्रोसेस था वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो था बडिंग। जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो है फ्रेगमेंटेशन। तो इसका भी नेम ही इंडिकेट कर रहा है कि इसमें क्या होंगे, फ्रेगमेंट्स बन जाएंगे। तो इसमें क्या होता है, ये किसमें होती है, वर्म्स में हो रही है। किस में हो रही है, वर्म्स में। तो इसमें जो है वो ऑर्गेनिज्म जो है पहले उसका साइज इंक्रीज करता है, उसके बाद पहले उसका साइज जो है मैक्सिमम लेंथ तक इंक्रीज करता है, उसके बाद वो 8 से 9 पीसेज में उसकी ब्रेक डाउन हो जाती है। क्या होता है इसमें कि पहले जो उसका वो साइज इंक्रीज करता है, फिर उसकी 8 से 9 पीसेज में उसकी डिवीजन हो जाती है और हर एक पीस अलग से एक मैच्योर वर्म बना लेता है, यानी कि हर एक पीस से एक अलग से कंप्लीट वर्म बना लेता है और इस तरह से प्रोसेस रिपीट हो जाता है। तो इसकी एग्जांपल ये किसमें होती है, फ्रेगमेंटेशन प्लेनेरिया में। प्लेनेरिया पहले अपनी फुल लेंथ तक जो है इंक्रीज करता है, फिर उसके जो है वो बहुत सारे पीसेज हो जाते हैं, दो के बजाय इसके बहुत सारे पीसेज हो जाते हैं। तो इस तरह के प्रोसेस कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन किस में हो रही है, प्लेन एरिया में। तो आपसे ये भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ फ्रेगमेंटेशन। तो अगर शॉर्ट क्वेश्चन में सिर्फ आपसे फ्रेगमेंटेशन का पूछा जाए तो आपने प्रोसेस के साथ इसकी एग्जांपल भी लाजमी बतानी है। नेक्स्ट इज़ बडिंग, ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की नेक्स्ट टाइप है। पहले हमने जो है कौन कौन सी पढ़ी है, फ्रेगमेंटेशन को पढ़ा, बाइनरी फिशन को पढ़ा है और अभी कौन सी है, बडिंग। इसमें क्या होता है कि जो पेरेंट बॉडी है उस पर एक ऊपर एक बर्ड की डेवलपमेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यीस्ट की एग्जाम्पल लें तो इसके एक साइड पे एक बर्ड की प्रोडक्शन होती है और उसका जो न्यूक्लियस है वो डॉटर न्यूक्लियाई में डिवाइड हो जाता है और जो पेरेंट सेल है इसमें एक से ज़्यादा बर्ड भी हो जाते हैं, एक टाइम में एक से ज़्यादा बर्ड्स भी हो जाती हैं। हर एक बर्ड जो है साइज में बड़ी हो जाती है और उसमें पेरेंट्स वाली करेक्टरिस्टिक्स भी होती हैं। अब ये वाली जो बर्ड है वो पेरेंट बॉडी से अलहदा हो जाती है। कुछ केसेस में बर्ड जो है वो अलहदा नहीं भी होती बल्कि उसकी बजाय जो है वो कलोनीज जो है उसमें बन जाती हैं। तो ये जो है वो क्या है, बडिंग। तो इसका भी आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ बडिंग। तो आपने जो है इसका थोड़ा सा प्रोसीजर बताना है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कौन कौन सी टाइप अभी आपने रिवाइज की हैं, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग एंड बाइनरी फिशन। नेक्स्ट टाइप है स्पोर फॉर्मेशन। अब स्पोर फॉर्मेशन एज अ नेम इंडिकेट, इसमें क्या होगा, इसमें स्पोर्स बनेंगे। ये किसमें होती है, फंजाई में। कौन सी फंजाई में, फॉर एग्जांपल राइजोफस में। कौन सी फंजाई में हो रही है, राइजोफस में। तो ये एमसीक्यूज में भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो स्पोर फॉर्मेशन है वो किसमें हो रही है, फंजाई में। इसमें क्या होता है कि जब राइजोफस जो है वो रिप्रोडक्टिव एज में पहुँचता है तो इसके बॉडी सेल्स जो है वो स्पोर्स बनाते हैं, किसके अंदर, स्पोरेंजिया के अंदर। जो सैक्स होती हैं उसमें, उसके हम स्पोरेंजिया कहते हैं। स्पोरेंजिया के अंदर जो है वो स्पोर्स बनते हैं और हर स्पोरेंजिया के अंदर जो है सेल है बहुत दफ़ा डिवाइड होता है और बहुत से डॉटर सेल्स बनते हैं जिनको हम स्पोर कहते हैं। हर एक स्पोर जो है बैक्टीरियल वाल जिसको हम सिस्ट कहते हैं उससे इसकी कवरिंग होती है और ये जो है वो अनफेवरेबल कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकता है। जब स्पोरेंजिया मैच्योर होते हैं तो क्या होते हैं, फटते हैं, बस्टिंग होती है उनकी, उनमें से स्पोर्स रिलीज हो जाते हैं। फेवरेबल कंडीशन में जो स्पोर जो है उसमें से जर्मिनेट करता है और जो है एक नया राइजोफस बना लेते हैं। स्पोर फॉर्मेशन किस में हो रही है, राइजोफस में। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं कि एक बैक्टीरियम है जिसको उसके अंदर एंडोस्पोर बन रहा है, फिर पेरेंट सेल ब्रेक होता है, एंडोस्पोर जो है वो रिलीज हो रहा है और स्पोर्स की जर्मिनेशन हो रही है। तो ये जो है वो आप देख सकते हैं स्पोर फॉर्मेशन। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ पार्थिनोजेनेसिस। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, पार्थिनोजेनेसिस। अभी तक आपने जो पढ़ी वो क्या थी, रिप्रोडक्शन की कौन सी टाइप्स पढ़ी थी, वो थी एसेक्सुअल टाइप्स।
रिप्रोडक्शन कौन से टाइप्स अभी तक आपने स्टडी किए हैं, ए सेक्शुअल, उसमें कौन कौन सी थी, उसमें थी बायोनिफिशन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन और स्पोर फॉर्मेशन। शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपसे पूछा जा सकता है इसके टाइप्स कौन सी हैं, अगर लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जाए तो फिर आपने चारों ध्यान की वो डिटेल बताने हैं। तो अब नेक्स्ट क्या है, पार्थिनोजेनेसिस। तो पार्थिनोजेनेसिस देखते हैं कि अब क्या है। तो इसके आपसे किस तरह से पूछा जाएगा, पार्थिनोजेनेसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द डेफिनेशन एंड फ्रॉम द लॉन्ग क्वेश्चन। तो इसमें से एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन कुछ ना कुछ लाजमी आता होता है। तो पार्थिनोजेनेसिस की डेफिनेशन जो है वो क्या है, इट इज़ फॉर्म ऑफ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। ये भी ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की एक टाइप है। इसमें जो है एक अनफर्टिलाइज्ड एग है वो न्यू ऑफस्प्रिंग में डेवलप हो जाता है। यानी कि इसकी जो स्पेसिफिक चीज़ है वो आपने ये याद रखनी है कि इसमें एग अनफर्टिलाइज्ड, इसमें एग जो है वो फर्टिलाइज्ड नहीं है, इसमें जो है वो क्या है, अनफर्टिलाइज्ड है। इसमें क्या है, जो एग है वो अनफर्टिलाइज्ड है, वो न्यू ऑफस्प्रिंग में डेवलप हो जाता है। और ये किसमें हो रही है, फिशेस में, फ्रॉग्स में और इंसेक्ट्स में है, वो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं पार्थिनोजेनेसिस के जरिए से। इसी तरह से और ये किस क्वीन जो है हनी बी की, वो भी जो है हनीकॉम के अंदर जो एग्स देती है, तो बहुत सारे एग्स उसमें से अनफर्टिलाइज्ड ही रह जाते हैं और डेवलप हो जाते हैं हैप्लॉइड मेल्स में, जिनका हम ड्रोन्स भी कहते हैं भाई पार्थिनोजेनेसिस में। तो ये क्या हो रहा है प्रोसेस, जिसमें अनफर्टिलाइज्ड एग ही एक कम्प्लीट इंडिविजुअल्स में जो है वो डिवेलप हो रहा है, किसमें, पार्थिनोजेनेसिस में। तो इसकी ये चीज़ आपने जो ये स्पेसिफिकेशन है पार्थिनोजेनेसिस की वो याद रखनी है। अब है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब हम देखेंगे कि जो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है वो किस तरह से हो रही है। अभी तक जो हमने पढ़े थे वो एसेक्शुअल रिप्रोडक्शन के जो मेथड थे, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, बाइनरी फिशन और जो अभी हमने पढ़ा वो कौन सा था, पार्थिनोजेनेसिस। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो इसमें जो फर्स्ट मेथड है वो क्या है, कटिंग। कटिंग में क्या होता है कि बहुत से जो स्टेम्स हैं उनकी कटिंग्स ली जाती हैं। फॉर एग्जांपल एक ब्रायोफाइलम लीफ है जिसके ऊपर बर्ड्स होती हैं, और इन कटिंग जो है मेरिस्टेमेटिक रीजन में जहाँ से जो ग्रोथ होती है वहाँ पे जो है वो प्लेस किया जाता है सूटेबल सॉइल में और अंडर राइट कंडीशन। राइट कंडीशन का मतलब है कि जहाँ पे सॉइल के अंदर सफिशेंट न्यूट्रिएंट्स हों, वाटर और सनलाइट की अवेलेबिलिटी हो, वहाँ से वो रूट्स और शूट्स बनाती हैं, और रूट्स और शूट्स जो हैं वो एक प्लांट्स के अंदर डेवलप हो जाती हैं, जो कि पेरेंट प्लांट्स जैसा ही बिल्कुल होता है, जहाँ से फिर जो है वो कटिंग ली जा सकती हैं। तो ये कटिंग का प्रोसेस किस में हो रहा है, ये रोज़ में हो रहा है, गुलाब के फूल में हो रहा है, आईवी में हो रहा है, ग्रेपवाइंस में हो रहा है। इनके प्रोपेगेशन जो है वो स्टेम कटिंग के जरिए से हो जाती है। इसके अलावा जो स्वीट पोटैटो है इसकी जो रूट है वो बहुत ज़्यादा एनलार्ज होती है। जो फार्मर्स हैं वो ज़्यादातर इसको कहाँ रखते हैं, मॉइस्ट सैंड में या फिर सॉइल में उस वक्त रखते हैं जब तक ये बहुत सारे प्लांटलेट्स ना बना ले। फिर इन प्लांटलेट्स को जो है वहाँ से रिमूव कर दिया जाता है और नेक्स्ट जगह पर प्लांटिंग की जाती है। ये जो प्रोसेस है बहुत सारे प्लांट्स को उगाने के लिए यूज़ किया जाता है फ्रॉम सिंगल पॉट्स, यानी कि स्टेम्स की ही कटिंग ले रहे हैं, उनको सूटेबल कंडीशंस के ऊपर जो है दोबारा से इंसर्ट कर रहे हैं, उसको सूटेबल एनवायरनमेंट दे रहे हैं, तो उसमें से फर्दर जो पेरेंट प्लांट है उसके जैसा ही नया प्लांट जो है वो ग्रो हो जाता है, जिसकी बिल्कुल पेरेंट प्लांट की जैसी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो ये आपसे लॉन्ग में पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, व्हाट इज़ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। या आपसे शॉर्ट में पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ कटिंग। तो अगर आपसे सिर्फ कटिंग का पूछा जाए तो फिर आपने सिर्फ कटिंग का ही थोड़ा सा मेथड बताना है और उसके एक एग्जांपल दे देनी है किसमें हो रही है, रोज़ में। लेकिन अगर आपसे कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाए तो फिर आपने उसकी कंप्लीट डिटेल्स बतानी है, ताकि आपको जो है वो इसके फुल मार्क्स मिल जाएँ। सो दिस वॉज अबाउट द आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। नेक्स्ट इज़ ग्राफ्टिंग। अब देखते हैं कि ग्राफ्टिंग में क्या होता है कि इसमें जो एक स्टेम का पीस है उसको प्लांट से काटा जाता है और दूसरे प्लांट के साथ उसको अटैच किया जाता है। यानी कि एक प्लांट से जो स्टेम के पीस को काटा जाता है और दूसरे प्लांट के साथ इसको अटैच किया जाता है विद एस्टैब्लिश्ड रूट सिस्टम। कुछ अर्से के बाद इसमें यह होता है कि जो अटैच्ड पीस है उसके जो वेस्कुलर बंडल हैं, वेस्कुलर बंडल कौन कौन से होते हैं, यानी कि जाइलम और फ्लोएम, और जो स्टेम पीस का जो होस्ट प्लांट है और जो दूसरा प्लांट है वो इकट्ठे ही ग्रो करना शुरू कर देते हैं। और ये किस में किया जाता है, ये रोजेज़ में भी किया जाता है,
बीज ट्रीज़ में भी किया जाता है, प्लांट ट्रीज में एंड वेरियस सीडलेस फ्रूट्स में। तो आपसे ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ ग्राफ्टिंग? तो आपने जो इसका प्रोसीजर जो है वो बताना है, उसमें थोड़ा सा बताना है जिसमें कैसे एक्सटेंड की कटिंग हो रही है दूसरे प्लांट के साथ, इसको इंसर्ट किया जा रहा है विद एस्टैब्लिश्ड रूट सिस्टम के साथ, कैसे दोनों जो है इकट्ठे ग्रो करने लग जाते हैं, और उसके आपने साथ में एग्जाम्पल भी बतानी है। तो ये आप डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ से एक साइड पर अगर आप देखें तो प्लांट जो पेरेंट प्लांट है उसकी से एक टाइम की कटिंग की जा रही है, उसको जो सैंड और सॉइल के अंदर दूसरे प्लांट के साथ ग्रो किया जा रहा है। और अगर आप दूसरी साइड पर देखें तो आप जो है वो एक टाइम का पीस ले रहे हैं, दूसरे प्लांट इस टाइम की कटिंग करके उसके अंदर उसको इंसल्ट कर रहे हैं, और कुछ अर्से के बाद वो दोनों ही इकट्ठे ग्रो करना शुरू कर देंगे। तो ये क्या हो रही है? ग्राफ्टिंग। ये प्रोसेस क्या है? ग्राफ्टिंग, यानी कि इसमें एक स्टेम का पार्ट लिया जा रहा है, दूसरे स्टेम के अंदर उसको इंसर्ट किया जा रहा है, दोनों इकट्ठे ग्रो करना शुरू हो जाएंगे अंदर द सूटेबल कंडीशन। नेक्स्ट इज टिश्यू कल्चर एंड क्लोनिंग। तो आप देखते हैं कि टिश्यू कल्चर जो क्लोनिंग है वो क्या है। क्लोनिंग जो है वो लेटेस्ट मेथड है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का। इस मेथड में क्या होता है कि जो आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट यूजिंग इट्स वेजिटेटिव टिश्यू और सेल्स। तो ये कौन से टिश्यू से प्रोड्यूस हो रहे हैं? वेजिटेटिव सेल से। क्लोनिंग किससे हो रही है? वेजिटेटिव सेल से, यानी कि नॉन सेक्शुअल पार्ट से। तो ये जो टिश्यू कल्चर है इसमें क्या होता है, ये वो टेक्निक है, इस मेथड में अप्लाई की जाती है। दिस मेथड प्रोपेगेशन इज कॉल्ड माइक्रो प्रोपेगेशन। इसको माइक्रो प्रोपेगेशन भी कहते हैं क्योंकि इसमें जो प्लांट का थोड़ा सा पार्ट जो है वो यूज़ होता है। प्लांट के किसी भी पार्ट से टिश्यूज दिए जाते हैं, एक सूटेबल न्यूट्रिएंट मीडियम में उनको लगा दिया जाता है। ये टिश्यूज जो है इसमें माइटोसिस स्टार्ट हो जाती है, और इसमें कैलस, कैलस क्या है? मैस ऑफ सेल्स। तो ये एमसीक्यूज में आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज कैलस, इट इज़ मैस ऑफ सेल्स जो है वो इसमें बनना शुरू हो जाते हैं, और इसको जो है दूसरे मीडियम में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इसके अंदर डिफरेंट हार्मोन्स होते हैं स्टेम रूट्स और लेस की फॉर्मेशन के लिए। कैल्सियस इन स्ट्रक्चर को जो है उन्हें प्लांट्स में लगा देते हैं। दी स्मॉल प्लांट्स आर देन प्लेस्ड इनटू प्लांटेड इनटू पॉट्स, और फिर उनको डिफरेंट पॉट्स में लगा दिया जाता है। तो जो क्लोनिंग है ये भी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की एक टाइप है, और टिश्यू कल्चर भी, यानी कि इनमें सेक्सुअल पार्ट्स इन्वॉल्व नहीं है। तो ये भी आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ क्लोनिंग, व्हाट इज़ टिश्यू कल्चर? तो आपने इसकी डेफिनेशन जो है वो बतानी है। अब प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होती है ये हम देखेंगे कि प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो किस तरह से होती है। तो इसमें क्या होता है, इसमें गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं। गैमेट्स कौन कौन से हैं? स्पर्म्स एंड एग सेल्स, और उनकी फ्यूजन, दैट इज़ फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन ऑफ गैमेट्स कहते हैं फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन ऑफ गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ये गैमेट जो है एक स्पेशल स्ट्रक्चर के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। जो मेजर प्लांट ग्रुप्स हैं लाइक मॉसेस, फर्न्स एंड सीड प्लांट्स हैं, उनके जो सीड प्लांट्स हैं उनमें जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स शामिल हैं। एंजियोस्पर्म्स वो होते हैं जिनके जो सीड हैं फ्रूट के अंदर बनते हैं, और जिम्नोस्पर्म्स इनके सीड जो है आउटसाइड ऑफ फ्रूट प्रोड्यूस होते हैं। तो ये प्लांट्स ग्रुप जो है इनमें डिफरेंट मेथड्स हैं स्पर्म्स और एग सेल्स की फ्यूजन्स के। जो मॉसेस और फर्न्स हैं इनके स्पर्म्स मोटाइल हैं। मोटाइल का मतलब है कि वो मूव कर सकते हैं और एग सेल तक स्विमिंग के जरिए से जा सकते हैं, इसलिए इन प्लांट्स को जो है वो वाटर चाहिए होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। वो वाटर इनको ड्यूड्रॉप्स के फॉर्म में भी मिल सकता है और रेन के फॉर्म में भी मिल सकता है। दूसरी तरफ जो जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स हैं इनमें स्पर्म्स को एग तक ले जाने के लिए स्पेशल मेथड है, इन्हें वाटर की ज़रूरत नहीं होती। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो वाटर के जरिए से भी हो सकती है कुछ प्लांट्स में, तो वाटर को कहाँ से मिलेगा, या तो ड्यूड्रॉप से या फिर रेन वाटर से। लेकिन कुछ प्लांट्स हैं वो बगैर वाटर के भी हो सकते हैं, उनके लिए स्पेशल मेथड होंगे, उनके अंदर उनको पानी नहीं चाहिए होगा। तो उनमें दो जनरेशन होती हैं, एक जनरेशन को कहते हैं डिप्लॉइड जनरेशन और दूसरी जनरेशन को कहते हैं हैप्लॉइड जनरेशन। तो इस प्रोसेस को जिसमें एक जनरेशन दूसरी जनरेशन को प्रोड्यूस करते हैं उसको कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। कि इसमें एक जो हैप्लॉइड जनरेशन है वो डिप्लॉइड जनरेशन को प्रोड्यूस करती है, जो डिप्लॉइड जनरेशन है वो हैप्लॉइड जनरेशन को प्रोड्यूस करती है। तो जो डिप्लॉइड जनरेशन है इसमें स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, इसको स्पोरोफाइट जनरेशन कहते हैं। जो दूसरी जनरेशन है हैप्लॉइड है और उसमें गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं। तो ये डिफरेंस आपने याद रखना है डिप्लॉइड और हैप्लॉइड जनरेशन के दरमियान, कि जो डिप्लॉइड जनरेशन है इसमें स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, डिप्लॉइड जनरेशन में स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, हैप्लॉइड जनरेशन में गैमेट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं।
the phenomenon in which two different generations alternate which is the during life cycle known as alternation of generation. तो इसमें क्या होता है, एक generation दूसरे generation को produce कर रही है. ज़्यादा plants में ऐसा होता है कि जो sporophyte generation है वो dominant है. तो ये MCQ में पूछा जा सकता है कि dominant generation कौन सी है. dominant generation जो sporophyte generation है, यानी कि इसका साइज बड़ा होता है, इंडिपेंडेंट होती है. स्पोरोफाइट जनरेशन जो है ये हैप्लॉइड है, और उसमें स्पोर की फॉर्मेशन कौन से प्रोसेस के जरिए, बाय मियोसिस. जो स्पोर हैं वो गैमेटोफाइट में डेवलप हो जाते हैं. इसका साइज भी छोटा होता है और स्पोरोफाइट पर डिपेंड करता है. तो ये आपसे डिप्लॉइड और हैप्लॉइड जनरेशन का डिफरेंस भी पूछा जा सकता है. बट तो आपने ये बताना है कि जो डिप्लॉइड जनरेशन है ये स्पोरोफाइट जनरेशन है, ये लार्ज इन साइज है, ये डोमिनेंट है, हैप्लॉइड जनरेशन है, ये इसमें गैमेट्स प्रोड्यूस होती हैं, ये स्मॉल इन साइज है. तो जो हैप्लॉइड जनरेशन है इसमें क्या हो रही है, इसमें माइटोसिस हो रही है. ये भी डिफरेंस आपने याद रखना है कि जो स्पोरोफाइट जनरेशन है इसमें क्या हो रही है, इसमें माइटोसिस हो रही है. गैमेट्स कौन से प्रोसेस के जरिए प्रोड्यूस हो रहे हैं, माइटोसिस के जरिए से द मेल एंड फीमेल गैमेट्स जो हमें मिलते हैं और डिप्लॉइड जाइगोट बनाते हैं. तो जाइगोट्स में फिर उसमें मज़ीद माइटोसिस होती है और एक जो है कंप्लीट इंडिविजुअल बन जाता है. तो नेक्स्ट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, अब देखते हैं कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है. हम जानते हैं कि जो एंजियोस्पर्म है उसमें क्या होता है, उसमें कौन सा पेरेंट प्लांट होता है जिसमें डिप्लॉइड स्पोरोफाइट जनरेशन होती है. इसमें जो फ्लावर है वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है. इस जनरेशन में रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कौन सा है, फ्लावर है. और जो फ्लावर के कंपोनेंट्स हैं वो वॉल्स के फॉर्म में होते हैं. वो किस फॉर्म में होते हैं, वॉल्स, यानी कि मुख्तलिफ जो घेरे होते हैं उसके फ्लावर के, उसको कहते हैं वॉल्स. जो बाहर वाले दोनों वॉल्स हैं इन फ्लावर, उन वो नॉन रिप्रोडक्टिव हैं, जबकि जो अंदर वाले दोनों हैं वो रिप्रोडक्टिव वॉल्स हैं. तो ये आपने याद रखना है कि फ्लावर में जो अरेंजमेंट है वो किस तरह से है, कि इसके अंदर फोर टाइप्स के वॉल्स होते हैं. फोर टाइप्स हैं वॉल्स की, जिसमें बाहर वाले जो दो हैं वो नॉन रिप्रोडक्टिव हैं, अंदर वाले दोनों जो हैं वो रिप्रोडक्टिव हैं. फ्लावर जो एक्चुअली एक कंडेंस्ड शूट है जिसके नोड्स जो हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल करीब होते हैं. सबसे बाहर वाले वॉल्स को कहते हैं कैलिक्स. तो ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि आउटर मोस्ट वॉल्स जो है वो क्या है, और आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है व्हाट इज़ कैलिक्स. तो कैलिक्स क्या है, इट इज़ दी आउटर मोस्ट, यानी कि वो जो फूल का सबसे बाहर वाली पत्तियों का जो घेरा होता है उसको कहते हैं कैलिक्स. और इसका कलर कौन सा होता है, ग्रीन. इसका कलर क्या होता है, कैलिक्स का ग्रीन कलर होता है. तो ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है व्हाट इज़ कलर ऑफ कैलिक्स. आपने बताना है कि जिसका कलर है वो ग्रीन होता है. जो इसके इंडिविजुअल लीफलेट्स हैं उसको सेपल्स कहते हैं. तो उसके जो इसके जो अलग-अलग से पत्तियाँ होती हैं उनको हम कहते हैं सेपल्स. सेपल्स का फंक्शन क्या है, कि ये अंदर वाले जो वॉल्स हैं उनको प्रोटेक्ट करती हैं बर्ड स्टेज पे. जो नेक्स्ट है इट इज़ करोला. जो नेक्स्ट उसका पत्तियों का वो घेरा है उसको कहते हैं करोला. इट इज़ नेक्स्ट इन अ वॉल एंड इज़ ओपन कलर्ड ब्राइटली. इसका कलर जो है वो ब्राइट होता है. इस इंडिविजुअल लीफलेट्स को कहते हैं पेटल्स. इसके इंडिविजुअल लीफलेट्स का पेटल बाहर जो ग्रीन पत्तियों वाला घेरा है उसके इंडिविजुअल लीफलेट्स को कहते हैं सेपल्स. और जो ये उसके अंदर वाला घेरा है उसको कहते हैं पेटल्स. उसको क्या कहते हैं, पेटल्स. दे सर्व टू अटैच बीज. वो बीज के अटैचमेंट का काम करते हैं. आपने अक्सर देखा होगा कि वो जो हनी बीज हैं वो आपने फ्लावर्स के ऊपर बैठी हुई देखी होंगी, तो वो जो पेटल्स के ऊपर बैठी होती हैं. वो फ्लावर के कौन से पार्ट्स के ऊपर बैठी होती हैं, पेटल्स के ऊपर. जो थर्ड वॉल है उसको कहते हैं एंड्रोशियम. एंड्रोशियम क्या है, इट इज़ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये स्टेटमेंट आपने याद रखना है. जो एंड्रोशियम है ये क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का. एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का. और इसके यूनिट्स को कहते हैं स्टेमन्स. इसके यूनिट को क्या कहते हैं, स्टेमन्स. तो ये तीसरे नंबर पर है. ये कितने नंबर पर है, तीसरे नंबर पर है. इसके जो यूनिट्स उसको स्टेमस कहते हैं और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं एंड्रूशियम. हर स्टेमन की एक थ्रेड लाइक फिलमेंट होते हैं जिसके फ्री एंड पे एंथर अटैच होता है. एंथर के अंदर पोलन सैक्स होती हैं जिसके अंदर हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस होते हैं मियोसिस के जरिए से. हर माइक्रोस्पोर जो है उसकी जर्मिनेशन हो जाती है मेल गैमेटोफाइट जनरेशन में. और इस दौरान क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है माइक्रोस्पोर का उसमें माइटोसिस होती है और दो न्यूक्लियाई बन जाते हैं जिसे कहते हैं ट्यूब न्यूक्लियस एंड जनरेटिव न्यूक्लियस. कौन से दो न्यूक्लियस बन रहे हैं, ट्यूब न्यूक्लियस एंड जनरेटिव न्यूक्लियस.
जो जनरेटिव न्यूक्लियस है वो दोबारा से उसमें माइटोसिस होती है और दो स्पर्म बन जाते हैं। सो जो जर्मिनेटिव माइक्रोस्पोर है इसमें एक ट्यूब न्यूक्लियस होता है और दो स्पर्म होते हैं। ये स्टार स्ट्रक्चर्स क्या हैं, मेल गैमेटोफाइट डोनेशन है प्लांट की। तो ये सारा क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। तो अगर प्लांट्स का आपसे पूछा जाए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लिखें प्लांट का, फ्लावरिंग प्लांट का, तो ये आपने इसमें इसकी कंप्लीट डिटेल जो है वो बतानी है। जो लास्ट और फोर्थ वगैरह है वो है गाइनीशियम। और गाइनीशियम क्या है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। गाइनीशियम क्या है, इट इज़ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इसमें क्या होता है, जो गाइनीशियम होता है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसके यूनिट्स को कार्पल्स कहते हैं। जो मेल था उसके यूनिट्स को क्या कहते थे, स्टेमन, और इसको कहते हैं फीमेल के कार्पल्स कहते हैं। ये बेस, इसके अंदर ओवरी होती है, स्ट्राइल होता है और स्टिग्मा होता है। ओवरी के अंदर जो है बहुत से ओव्यूल्स बनते हैं, हर ओव्यूल के अंदर एक हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस होता है। मियोसिस के जरिए से माइक्रोस्पोर जो है वो उसकी जर्मिनेशन हो रही है फीमेल गैमेटोफाइट जनरेशन में। और इसमें जो माइक्रोस्पोर है उसमें माइटोसिस के जरिए से एग सेल प्रोड्यूस होते हैं और कुछ एसोसिएटेड स्ट्रक्चर, फॉर एग्जांपल फ्यूजन न्यूक्लियस। जो एग सेल्स हैं उनकी आगे से फिर एसोसिएशन होती है और नेक्स्ट जो है वो प्रोडक्शन होती है जनरेशन की। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं कि आप ओव्यूल भी आपको नज़र आ रहा है, ओवरी भी, स्ट्राइल भी, जो ऊपर वाला पार्ट है उसको स्टिग्मा कहते हैं, जो सेपल वाला पार्ट है वो लैदा से सबसे बाहर वाला है, फिर उसके अंदर जो है वो पेटल है, पेटल में आपको जो एंथर भी नज़र आ रहे हैं, जो इंडिविजुअल यूनिट्स हैं मेल पार्ट के आपको पेटल्स भी नज़र आ रही हैं। और ये जो है, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। तो यहाँ से आप फ्लावरिंग प्लांट का जो लाइफ साइकिल है उसका भी डायग्राम में भी देख सकते हैं कि ओवरीज जो है वो फीमेल पार्ट है, जो एंथर है मेल पार्ट है, ये कि फ्लावर के अंदर है पार्ट्स। तो इसमें से जो एंथर है वो आगे मूव कर रहे हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो ये सारे प्रोसेस जो अभी अभी हमने डिस्कस किए हैं उन सब की डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन दी गई है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि किस तरह से प्लांट के अंदर जो है, फ्लावरिंग प्लांट के अंदर जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो होती है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक इज जो है वो है पोलिनेशन। तो शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज पोलिनेशन, पोलिनेशन क्या है। तो पोलिनेशन क्या है, इट इज़ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर्स टू स्टिग्मा, फ्रॉम एंथर्स टू स्टिग्मा। अभी हमने पीछे पढ़ा था कि जो एंथर क्या है वो मेल पार्ट की एसोसिएशन है और जो स्टिग्मा है वो फीमेल पार्ट की। तो यहाँ पे किस चीज़ का ट्रांसफर हुआ है, पोलन ग्रेन्स का। तो पोलन जो पोलिनेशन है इसकी टू टाइप्स हैं, सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन। इसकी कौन सी दो टाइप्स हैं, सेल्फ पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन। तो आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है व्हाट इज़ पोलिनेशन, उसके टाइप्स पूछे जा सकते हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पोलिनेशन, सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन। व्हाट इज़ सेल्फ पोलिनेशन, यानी कि सेल्फ पोलिनेशन जो है वो किस पे हो रही है, सेम फ्लावर पे होती है, यानी कि जिसमें एंथर और स्टिग्मा जो है वो सेम फ्लावर के ही होते हैं। एंथर स्टिग्मा कौन से होते हैं, सेम फ्लावर के होते हैं। और जो क्रॉस पोलिनेशन है इसमें क्या होता है, इसमें जो है वो एक प्लांट से दूसरे प्लांट में ट्रांसफर, से पोलन ग्रेन का एक प्लांट से दूसरे प्लांट में ट्रांसफ़र हो रहा है, लेकिन स्पीशीज़ जो है वो सेम ही होती है। क्रॉस पोलिनेशन जो है बहुत सारे प्रोसीजर्स के जरिए से हो सकते हैं, लाइक विंड है, हवा के जरिए से भी पोलन ग्रेन उड़ के चल जाते हैं, वाटर के जरिए स्विमिंग के जरिए जाते हैं, हनी बीज के परों के साथ जो है चिपक के जा सकते हैं, बर्ड्स के परों के साथ, बैट्स के और दूसरे एनिमल्स इंक्लूडिंग मैन के जरिए से भी जो है वो जो है चिपक सकते हैं। इंसान जो है अगर वो फ्लावर्स वगैरह को टच करता है तो उसके भी हाथों वगैरह के साथ कपड़ों से चिपक सकते हैं। नेक्स्ट आवर टॉपिक इज जर्मिनेशन ऑफ सीड। जो सीड की जर्मिनेशन है इसमें क्या होता है कि इसका जो एम्ब्रियो है वो सीडलिंग में डेवलप हो जाता है। सीड की जर्मिनेशन में क्या होता है कि जिसका एम्ब्रियो है वो सीडलिंग में डेवलप हो जाता है। इसकी जर्मिनेशन में एम्ब्रियो जो है वो पानी को जज़ब करता है, इसमें स्वेलिंग हो जाती है और जो इसमें से सीड कोट है वो हट जाता है। यानी कि स्टार्टिंग इसकी कैसे होती है, ये पानी को जो है अब्जॉर्ब करता है, इसकी स्वेलिंग होती है, इसका सीड कोट हट जाता है। तो इसमें सबसे पहले चीज़ जो है बाहर निकलते हुए कहता है रूट, जो किस चीज़ से रूट की इमरजेंस हो रही है, रेडिकल से। तो ये आपने एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि जो रूट की कहाँ से इमरजेंस हो रही है, कहाँ से, रेडिकल से। इट ग्रोज रैपिडली एंड अब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। तो ये जल्दी से है वो इसकी ग्रोथ होती है और वाटर न्यूट्रिएंट्स को सॉइल से अब्जॉर्ब करती है। नेक्स्ट फेज में क्या होता है, पोलियोमोल की डेवलपमेंट हो जाती है
टाइनी शूट में, किस चीज़ में, टाइनी शूट में, जो कि लेंथ बढ़ती है और वो साइज से बाहर हो जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ एलंगेशन ऑफ हाइपोकोटाइल एंड एपिकोटाइल जर्मिनेशन की दो टाइप्स हैं। किस चीज़ की बेसिस पे, हाइपोकोटाइल और एपिकोटाइल की बेसिस पे। इन एपिजियल जर्मिनेशन, एपिजियल जर्मिनेशन में क्या होता है, जो हाइपोकोटाइल है वो लंबा हो जाता है, उसके अंदर एक हुक बनती है और वो कॉटिलेडन्स की पुलिंग करता है अबव ग्राउंड। तो ये किस में हो रही है, एपिजियल जर्मिनेशन किस किस में हो रही है, बीन्स में, कॉटन में, पपाया में। और जो हाइपोजियल जर्मिनेशन है इसमें क्या होता है, एपिकोटाइल लॉन्गर होता है, उसमें हुक बनती है और इसमें जो है वो आप डायग्राम में देख सकते हैं कि एपिजियल जर्मिनेशन और हाइपोजियल जर्मिनेशन जो है वो दी गई है, किसमें कि हाइपोकोटाइल है, कॉटिलेडन है, एपिकोटाइल है। और इसमें जो है राइट साइड पर अगर आप देखें तो जो हाइपोकोटाइल है वो एपिकोटाइल में तो बाहर से निकल रहा है और अबाव द ग्राउंड इसकी फॉर्मेशन हो रही है। अब जो कंडीशंस चाहिए सीड की जर्मिनेशन के लिए वो कौन कौन सी हैं, ये जो ये आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, व्हाट आर द कंडीशंस फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड। ये बहुत सारे इंटरनल एक्सटर्नल दोनों कंडीशन पे डिपेंड करती हैं। इंटरनल कंडीशन में आ सकता है इसमें एम्ब्रियो और सफिशिएंट फूड स्टोरेज आ सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एक्सटर्नल कंडीशंस में वाटर, ऑक्सीजन और फेवरेबल टेम्परेचर शामिल हैं। जो वाटर है ज़्यादातर प्लांट्स के लिए वाटर कंटेंट लो होता है, जो जर्मिनेशन है वो नहीं यहाँ हो सकती, इसलिए जब तक जो है सीड कोड या दूसरे टिश्यूज जो हैं उनके अंदर पानी अच्छी तरह से नहीं जज्ब होगा, सीड कोड जो है वो फटेगा नहीं, उसकी बस्टिंग नहीं होगी और जर्मिनेशन स्टार्ट नहीं होगी। डाइजेशन ऑफ स्टोर फूड है आल्सो हेल्प इन लोकेशन ऑफ हाइपोकोटाइल एंड एपिकोटाइल। तो जो फूड है वो ऑलरेडी स्टोर होता है इसके अंदर। जो ऑक्सीजन है वो रेस्पिरेशन के लिए चाहिए होती है एम्ब्रियो की। जो टेम्परेचर है वो उनकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है जर्मिनेशन के लिए। ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना है, 25। ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना है, 25। तो अब हम देखेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो एनिमल्स में किस तरह से हो रही है। जो गैमेट्स की फॉर्मेशन है उसको कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो डिप्लॉइड गैमेट मेंबर है उसमें मियोसिस होती है और हैप्लॉइड गैमेट्स बनती है। इसमें मेल और फीमेल गैमेट जो उनकी फ्यूजन होती है वो स्पेशल ऑर्गन्स में बनते हैं जिसको गनेट्स कहते हैं। जो मेल गनेट्स हैं उनको टेस्टिस कहते हैं, फीमेल गनेट्स को ओवरीज कहते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म इन टेस्टिस कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस और एग्स की फॉर्मेशन तो कहते हैं ओवोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस और ओवोजेनेसिस का डिफरेंस भी आपने याद रखना है। शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ओवोजेनेसिस। सो लेट्स सी व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस। तो कुछ जो सेल्स होते हैं उनके वाल में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, टेस्टिस की जो डिवाइड हो जाती हैं उनमें माइटोसिस होती है, बहुत सारे डिप्लॉइड स्पर्मेटोगोनिया बनती हैं। कुछ स्पर्मेटोगोनिया में स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं, हर स्पर्मेटोसाइट्स में फिर मियोसिस होती है और इसमें हैप्लॉइड एडोसाइट्स बनते हैं जिनके स्कैंडी स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं। इन सेल्स में फिर मियोसिस टू होती है और चार तरह के हैप्लॉइड स्पर्मेटोसाइट्स प्रोड्यूस होते हैं। ये स्पर्मेटोसाइट्स हम मोनोमोटाइल हैं एंड में चेंज अगर इन दैम कन्वर्ट देम इनटू मोटाइल सेल्स। इनके न्यूक्लियस जब श्रिंक हो जाते हैं और कुछ स्ट्रक्चर में बनते हैं जिनको एक्रोसोम कहते हैं, जिसमें एक टेल और एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है। नेक्स्ट इज ओजेंसिस। ओजेंसिस में क्या होता है, एग्स की प्रोडक्शन होती है। इसमें क्या होता है, जो ओवरी के सेल्स हैं उनके अंदर फॉलिकल्स बनते हैं जिसमें डिप्लॉइड गोनिया प्रोड्यूस होती हैं। तो कुछ जो ओगोनिया हैं इनमें डिप्लॉइड प्राइमरी ओवोसाइट्स प्रोड्यूस होती हैं और कुछ हैं इनमें प्राइमरी ओवोसाइट्स में मियोसिस वन कम्प्लीट होती है और दो हैप्लॉइड सेल्स बन जाते हैं। जो स्मॉलर सेल्स होते हैं उनको फर्स्ट पोलर बॉडी कहते हैं, जो लार्जर होते हैं उनको सेकेंडरी ओसाइट कहते हैं। जो सेकेंडरी ओसाइट्स हैं ये अपनी मियोसिस टू के फेजेस को कंप्लीट करते हैं और दो हैप्लॉइड सेल्स बनाते हैं, सेकेंड पोलर बॉडी एंड एग सेल। तो ये डायग्राम में आप दे सकते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस और ओजेंसिस। ये लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है, राइट एंड नोट ऑन स्पर्मेटोजेनेसिस या ओजेंसिस। तो आपने डायग्राम इसकी कंप्लीट डिटेल बतानी है। डायग्राम जो है वो आपने अगर आपकी बुक में दी गई है तो वो लाजमी बनानी है, इसके मार्क्स होते हैं। नेक्स्ट इज़ फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन में क्या हो रहा है, एग्स और स्पर्म्स की फ्यूजन हो रही है। ये एक्वाटिक एनवायरनमेंट में भी होती है। तो इसमें क्या होता है, इसमें दोनों फीमेल्स जो है अपने गैमेट्स रिलीज करती हैं और वाटर के अंदर ही उनकी फ्यूजन हो रही है। उसके तरह की फर्टिलाइजेशन कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में गैमेट्स जो है इसमें लॉस होने का भी रिस्क हो सकता है क्योंकि प्रेडेटर्स जो होते हैं उनका हैजर्ड होता है। जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है बहुत से वर्टिब्रेट्स में और एम्फीबियंस में होती है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में होता है कि इसमें जो एग और स्पर्म्स की फ्यूजन है विद इन द फीमेल ट्रैक होती है। ये रेप्टाइल्स बर्ड्स और मैमल्स में होती है। इस तरह के एनिमल्स जो हैं वो डेवलपिंग एम्ब्रियो को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद जो हैं उनके गिर जो है एग्स का गिर जो है रिप्रोडक्टिव शेल बना लेते हैं।
नेक्स्ट इज एड्स. सो लेट्स सी व्हाट इज एड्स. एड्स स्टैंड्स फॉर एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम. एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम तो ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, यानी कि वो डिजीज जो कि सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू ट्रांसमिट होती हैं. इसमें मोस्ट सीरियस एंड चैलेंजिंग हेल्थ प्रॉब्लम जो है इट इज़ एड्स. इट इज़ एक्चुअली सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज. इसकी जो एब्रिवेशन आपने याद रखनी है एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, यानी कि इसमें जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत वीक हो जाता है. और जो हम जानते हैं कि जो हमारी बॉडी के अंदर एक डिफेंसिव सिस्टम है, इम्यून सिस्टम, जो हमें मुख्तलिफ बीमारियों का मुकाबला करता है हमें और हमारी बॉडी के जो है डिफरेंट डिजीजेस से प्रोटेक्ट करता है. और अगर वो वीक हो जाएगा तो हम क्या होंगे, बहुत सारी डिजीजेस के लिए वर्नेबल हो जाएगी हमारी बॉडी. यानी कि जब हमारा जो सिस्टम है वो आगे से रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा डिजीजेस को, डिफरेंट डिजीजेस को, उनके लिए उसका रिस्पॉन्स बहुत वीक हो गया, तो ऑटोमेटिकली बहुत सी डिजीजेस के लिए हमारी बॉडी जो है वो वल्नरेबल हो जाएगी. तो इसका जो पॉजिटिव एजेंट है वो क्या है, HIV. तो एड्स का जो पॉजिटिव एजेंट है वो भी आपने याद रखना है HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस. ये वायरस जो है वाइट ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है और बहुत सारी इन्फेक्शन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है. ये एक फैटल डिजीज़ है और बॉडी फ्लूइड्स के जरिए से इसका ट्रांसफ़र होता है. इसका ट्रांसफ़र कहाँ से हो रहा है, बॉडी फ्लूइड्स के जरिए से, जैसा कि ब्लड के जरिए से भी और सीमन के जरिए भी से. इसलिए इसके जो मेन काज हैं वो अनप्रोटेक्टेड सेक्शुअल एक्टिविटीज़ हैं और इन्फेक्टेड जो यूटेंसिल है उसका यूज़ है. इसके पाकिस्तान में इसकी फ्रिक्वेंसी अभी तक लो है, लेकिन ये जो कंट्री है वो रिस्क एपिडेमिक रिस्क पे है, क्योंकि इसके जो बहुत सारे रिस्क फैक्टर हैं लाइक एक्सपोजर टू इन्फेक्टेड ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट्स, होमोसेक्स एंड इंडेक्टिंग ड्रग यूज़र्स. तो ये इसके डिफरेंट कॉजेज हैं जिनका रिस्क है, जिसकी वजह से इसके फैलने का खदशा है. इम्प्रूव्ड प्रिवेंशन के लिए बाय जनरल पब्लिक दी NACP स्टार्टेड सर्विस थ्रू TV एंड रेडियो चैनल्स एंड प्रिंट मीडिया इन 2005 में. डिफरेंट यानी कि कम्युनिकेशन रिसोर्सेज के जरिए से उन्होंने जो है इसके बारे में आगाही अवेयरनेस जो है वो देनी शुरू कर दी है, ताकि आप इनसे बच सकें. जो मेन ऑब्जेक्टिव है इसके चेंज करना है पब्लिक एटीट्यूड को फॉर सेफ सेक्शुअल एक्टिविटीज़ के लिए, क्रिएट डिमांड फॉर इंफॉर्मेशन ऑन HIV एंड एड्स एंड इम्प्रूव एटीट्यूड एंड बिहेवियर अमंग हेल्थ केयर वर्कर. सो दिस वॉज अबाउट टूडेज लेक्चर. थैंक्स फॉर वॉचिंग.